ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत है। गल करते अगली खबर की। पंजाब सरकार वालों खेडों विच पंजाब दा नाम रोशन करने वाले खिडारियों का सन्मान किया गया। बीते दिन मोहाली विच करवाए गए समागम विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 101 खिडारियों का महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड के नाल सन्मान किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बलबीर सिंह पंजाब सरकार ने वधिया उपराला किया कि 2013 तो बाद हुण सानूं मौका मिलिया कि अवार्ड दे रहे। तो सब तो वधिया पंजाब सरकार का सानू यह उपराला लग्या कि जिहड़े सीनियर प्लेयर सीगे जिहड़े रह गए सीगे जिन्हां नूं मिले नहीं सी अज तक उन्होंने भी अवार्ड दे के उन्हों का रिगार्ड किया जा रहा पूरा। यह खुश किया और वह स्पोर्ट्समैन बुलाए ने जिहड़े जिहड़े कि अपने टाइम दे विच एक काम कर चुके ने। और मैं चाहना कि भई यह जिहड़ा अवार्ड हैगा बहुत अच्छी गल दे रहे हैं। जिहड़ी यूथ हैगी है उन्होंने देखना है कि भी इन्हों वाकई भी इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड दिता है तो बहुत वड्डी गल हैगी है। तो असी क्यों ना इदा का काम करिए जिहदे कि सानू भी अगे अजना महाराज। तो उधर 550 साल प्रकाश पुरब न सांझे तौर उत्ते मनाने दीआं तैयारियां जोरां उत्ते ने। इस सब दे विचाले SGPC प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने CM नूं चिट्ठी लिख ननकाणा साहिब तो सजाए जाण वाले नगर कीर्तन का स्वागत करन दी अपील कीती है। श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पुरब वड्डे पद्धर ते मनाउण दे लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते पंजाब सरकार वालों तैयारियां वड्डियां गईयां ने ते लगातार बैठकां दा सिलसिला जारी है ते वख-वख प्रोग्राम उलीके जा रहे ने जिस दे मद्देनजर प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल की अगवाई हेठ श्रोमणी कमेटी की अहम बैठक हुई। इस बैठक दे विच प्रकाश पुरब नूं लैके प्रोग्रामां दी रूपरेखा तैयार कीती गई। इस दौरान SGPC प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने कहा कि 550वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित 25 जुलाई नूं ननकाणा साहिब तों नगर कीर्तन की शुरुआत होगी। इस नगर कीर्तन का वाघा सरहद ते SGPC वालों शानो शौकत दे नाल स्वागत किया जाएगा। वो नगर कीर्तन 25 जुलाई नूं सवेरे 9 बजे श्री अखंड पाठ साहब के भोग तो उपरंत जिहड़ा उतों आरंभ होएगा और जिसका आ के वाघा बार्डर के उत्ते बहुत शानो शौकत दे नाल इत्थे स्वागत जिहड़ा है वो किया जाएगा। उत्थे SGPC प्रधान लौंगोवाल ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लेंदे पंजाब के मुख्यमंत्री ते राज्यपाल नूं पत्र लिख के सदा दिता गया कि वह भी नगर कीर्तन की आरंभता वेले ननकाणा साहिब पहुंचण। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नूं भी चिट्ठी लिखी है कि वह भी वह आरंभता के समय से उत्थे पहुंचण और पंजाब के जिहड़े लहिंदा पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार उस्मान अहमद खान उन्होंने भी सद्दा पत्र भेजे है। इस तरह गवर्नर पंजाब पाकिस्तान चौधरी मुहम्मद सरबर ते अकाब बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अहमद अमीर अहमद ते प्रधान पाकिस्तान कमेटी के सरदार तारा सिंह और जिहड़े सारियां उत्थे तारा सिंह उहदी तैयारियां भी कर रहे हैं उत्थों दी जिहड़ी कमेटी है पूरा उन्हां दा सानूं सहयोग जिहड़ा है ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ SGPC ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, News 18 ਪੰਜਾਬ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਫੁੱਲੀ ਵੈਲਕਮ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਦਿਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਾਈ ਦਾ PM ਔਰ ਇਹ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੋ ਖੋਲੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਲਈ ਜੋ ਖਾਸ ਪਾਣੀ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕਾਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹਮ ਸਭ ਇਸਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਯਹੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਆਰ।